So the pop operation mutates a list by removing its last element. It returns the value of the element that was removed. So, pop operation list ka आखरी element remove karega, right? और जो existing list है, वो mutate हो जाएगी, यानी नई list create नहीं होगी, existing list के अंदर से ही एक element कम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक list है, a is given one two three. We try it out in the interpreter. राइट एंड देन यू कॉल दैट से आप बी डॉट पॉप कॉल करते हैं सॉरी ए डॉट पॉप ए के ऊपर आप पॉप ऑपरेशन कॉल करेंगे तो अब बी के अंदर आपको थ्री मिल जाएगा जो लास्ट एलिमेंट था जो कि थ्री था वो पॉप हो गया और वो बी के अंदर आ गया और अब अगर आप ए को प्रिंट करेंगे तो इसमें सिर्फ वन और टू मौजूद होगा अगर आप डॉट पॉप दोबारा कॉल कर लेंगे तो बी के अंदर अप टू होगा और ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट यानी वन रह गया राइट right? सो so, इसी तरीके से अगर आप इसका कोई एलियस बनाएंगे तो यही इफेक्ट जो है वो इसके एलियस के ऊपर भी होगा सो इज अज्यूम पी रेफर्स टू लिस्ट विद लीस्ट टू एलिमेंट्स विच ऑफ दिस कोड फ्रेगमेंट डज नॉट चेंज फाइनल वैल्यू ऑफ पी आपके पास एक लिस्ट है कोई भी लिस्ट है जिसके अंदर एटलीस्ट दो एलिमेंट्स हैं आप उसके ऊपर एक एलिमेंट अपेंड करते हैं राइट right? सपोज आपने थ्री अपेंड किया उसके ऊपर और फिर आपने पी डॉट पॉप कॉल कर लिया राइट right? सो so, does this ऑपरेशन लीव द लिस्ट इन द सेम स्टेट राइट सो अगर आप एक लिस्ट पी है जिसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई एलिमेंट अपेंड करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पॉप ऑपरेशन कॉल करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट उसमें अपेंड हुआ एक पॉप हो गया तो लिस्ट अपनी ओरिजिनल शेप में बरकरार रहेगी राइट सो दिस सीम्स टू बी द सेम दिस सीम्स टू द स्टेट ऑफ द लिस्ट अगेन एक मिसाल ले लेते हैं पी इज इक्वल टू वन एंड टू राइट अब हम क्या करते हैं कि p डॉट अपेंड अप्री करते हैं और p डॉट पॉप कॉल कर लेते हैं राइट एंड नाउ वी चेक p इट इज स्टिल वन टू सो द फर्स्ट ऑप्शन सीम टू बी वर्किंग ऑल राइट द सेकेंड इज दैट आप क्या करते हैं x इज गिवन पी डॉट पॉप एंड y इज गिवन पी डॉट पॉप आप दो एलिमेंट्स पॉप कर रहे हैं पहले आपने एक एलिमेंट पॉप किया उसको x को असाइन कर दिया फिर आपने एक एलिमेंट पॉप किया उसको y को असाइन कर दिया फिर आपने क्या किया पी डॉट अ पेंड और फिर पी डॉट अ पेंड राइट सो अपेरेंटली आप दो एलिमेंट्स ही पॉप कर रहे हैं फिर उन्हीं दो एलिमेंट्स को दोबारा अपेंड भी कर देते हैं सो so बज़ाहिर यह ऑपरेशन पी की स्टेट को मेंटेन करता नज़र आता है लेकिन इसमें एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि आपने पहले x पॉप किया यानी जो पॉप किया उसको x में डाला फिर आपने y के अंदर सेकेंड लास्ट एलिमेंट डाला जबकि जब आप अपेंड करने पे आए तो आपने पहले x को अपेंड किया और फिर y को अपेंड किया तो बेसिकली अगर आप पहले y को अपेंड करते और फिर x को अपेंड करते तो ये बिल्कुल एक्वलेंस ही मैंटेन करता लेकिन इसकी तरतीब के फ़र्क की वजह से पी की अल्टीमेट स्टेट सेम नहीं होगी तीसरी ऑप्शन है एक्स इज गिवन पी डॉट पॉप आप एक एलिमेंट पॉप करते हैं उसको एक्स में डाल देते हैं और फिर पी डॉट अपेंड एक्स कर देते हैं लिहाजा आपने एक एलिमेंट पॉप किया और फिर उसी एलिमेंट को दोबारा अपेंड कर दिया सो इसका मतलब है कि ये तीसरी ऑप्शन भी पी की ओरिजिनल जो उसकी एग्जिस्टेंस थी उसको मेंटेन करेगी उसके बाद चौथी ऑप्शन है कि एक एलिमेंट पॉप किया फिर दूसरा एलिमेंट पॉप किया अब हमने ठीक तरतीब में उन्हें अपेंड किया यानी जो आखिर में एलिमेंट अपेंड हुआ था अपॉप हुआ था उसे पहले अपेंड कर दिया और फिर एक्स को अपेंड कर दिया राइट सो ये उसकी स्टेट को मेंटेन करेगा लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पहली तीसरी और चौथी ऑप्शन में P की जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वही वैल्यूज इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद भी होंगे होंगी जबकि सेकंड के केस में ऐसा नहीं होगा इसमें तरतीब का जो फर्क है वो पी की स्टेट को तब्दील कर देगा राइट सो नाउ वी टॉक अबाउट बिल्डिंग द वेब crawler, राइट हमने पहले यूनिट में पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करना सीखा था दूसरे यूनिट में इसी काम को बढ़ाते हुए हमने तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा था कि एक पेज से हम तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिर अब चूँकि हम अब एक जंजन बनाने की तरफ जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर रुकना नहीं है बल्कि अपना वेब क्रॉलर जो है उसको कंप्लीट करना है वेब क्रॉलर बेसिकली क्या करेगा कि जो लिंक आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उन लिंक्स को फिर हम मज़ीद ओपन करके उनके ऊपर मौजूद मज़ीद लिंक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और ये काम मुसलसल चलता रहेगा तो अब हमें एक वेब क्रॉलर जो है उसको बिल्ड करने की तरफ जाना है लेट्स रिक एप हाउ द वेब क्रॉलर शुड वर्क टू फाइंड ऑल द लिंक्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम अ सीड पेज वी नीड टू स्टार्ट बाय फाइंडिंग ऑल द लिंक्स ऑन द सीड पेज बट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग दैम लाइक वी डेड इन यूनिट टू वी नीड टू स्टोर दैम इन अ लिस्ट सो वी कैन यूज दैम टू कीप गोइंग तो सेकेंड यूनिट में हमने क्या किया था कि एक वेब पेज से एक सीड पेज से तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया था लेकिन उनको हम सिंपली प्रिंट कर रहे थे अब हमें उन्हें प्रिंट नहीं करना बल्कि हम उन जो लिंक्स हमें मिले हैं उन लिंक्स को हमें एक लिस्ट में स्टोर करना है और फिर हम उन लिंक्स को इस्तेमाल करके उन लिंक्स को ओपन करके उन जो पेजेस हम हमारे सामने नए पेजेस ओपन होंगे उनके ऊपर मज़ीद लिंक्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा

and produces as output a list containing all the URLs that are targets of link tag that are targets of link tag on that page. तो अब हमें करना क्या है कि पहले हमने एक procedure लिखा था which was print all links. हम उस print all links को थोड़ा सा तब्दील कर लेंगे और उसको गेट ऑल लिंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे प्रिंट ऑल लिंक्स तमाम लिंक्स को प्रिंट कर देता था और गेट ऑल लिंक्स तमाम लिंक्स को प्रिंट करने की बजाय एक लिस्ट में स्टोर कर लेगा दिस इज द मेन डिफरेंस दैट वी एक्सपेक्ट इन दिस प्रोसीजर सो हमारा जो प्रोसीजर जो हमने यूनिट you टू know, में लिखा था दैट वॉज दिस वन प्रिंट ऑल लिंक्स राइट इट अ पेज और अगर हम यू देते हैं तो हम उस यू को फिर रीड कर सकते हैं उसके अंदर जैसा कि हमने अपनी एग्जाम्पल में लास्ट टाइम किया था और फिर क्या करते हैं वाइल ट्रू ये लूप हमेशा चलता रहेगा आप गेट नेक्स्ट टारगेट के जरिए यू और एंड पोजिशन गेट करेंगे ये प्रोसीजर हमने पहले यूनिट के अख्ताम पर लिखा था और फिर हम चेक करेंगे कि अगर यू आर नहीं है तो उस यू को प्रिंट करें और पेज जो है उसका एंड पोजीशन से पहले वाला हिस्सा हटा दें बाकी हिस्सा रख लें और अगर आपको यू खाली मिला है तो फिर लूप से बाहर आ जाएं यानी जो पेज आप इसे पास करेंगे उस पेज के ऊपर जब तक आपको लिंक मिलते रहेंगे ये लिंक्स को प्रिंट करता रहेगा और जैसे ही लिंक मिलने बंद हो जाएंगे ये लूप से एग्जिट कर जाएगा यह प्रोसीजर तमाम हो जाएगा सो वी डिफाइंड प्रोसीजर गेट नेक्स्ट टारगेट दैट वुड टेक अ पेज सर्च फॉर द फर्स्ट लिंक ऑन दैट पेज रिटर्न दैट एज द वैल्यू ऑफ यू आर एल एंड ऑल्सो रिटर्न पोजिशन एट दफ द कोर्ट एट दफ़ द कोर्ट एज वी नो वे टू कंटिन्यू राइट सो बेसिकली हम क्या करते थे कि हम गेट नेक्स्ट टारगेट जो है उसके अंदर एक यू आर एल रिटर्न करते थे और हम एंड कोर्ट की लोकेशन भी बताते थे ताकि उससे आगे हम मजीद अपना जर्नी जो है उसको कंटिन्यू कर सकें दैन वी डिफाइन द प्रोसीजर प्रिंट ऑल लिंक्स दैट कीप्स गोइंग एज लॉन्ग एज देयर आर मोर लिंक्स ऑन दैट पेज इट विल रिपीटेडली फाइंड द नेक्स्ट टारगेट प्रिंट इट आउट एंड एडवांस द पेज पास दोजिशन सो वट वी वॉन्ट टू डू टू चेंज दिस इज के हम अब उन पेजेस को प्रिंट करने की बजाय हम छोटी सी तब्दीली जो अभी हमने पहले भी डिस्कस की वो ये है कि हम प्रिंट करने की बजाय उनको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि प्रिंट करने का कोई खास ऑब्जेक्टिव हमारे सामने नहीं है हम उन्हें स्टोर करके फिर उन लिंक्स को वन बाय वन ओपन करके उनके ऊपर मजीद लिंक्स जो मौजूद होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करके और अपने क्रॉल के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं राइट सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस शुड वर्क वी यूज अ सिंपल वेब पेज हियर हम एक सादा सा पेज लेते हैं जो कि इस लिंक के ऊपर मौजूद है हम इसको अगर ब्राउज करके देखें सो दिस इज हियर सो ये एक एग्जाम्पल वेब पेज है बहुत सादा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट पेज फॉर लर्निंग टू क्रॉल इट इज़ अ गुड आइडिया टू लर्न टू क्रॉल बिफोर यू ट्राई टू वॉक और फ्लाई सो बहुत छोट थोड़ा सा टेक्स्ट है इसके ऊपर इसके ऊपर तीन लिंक हैं, एक ये लिंक है क्रॉलिंग

इट कंटेन्स थ्री लिंक टैक्स एट पॉइंट टू थ्री डिफरेंट पेजेस इंक्लूडिंग क्रॉलिंग वॉकिंग एंड फ्लाइंग एज वी जस्ट सॉ दैट राइट हमने ब्राउजर में इसको ओपन करके ऑलरेडी देख लिया है हेर इज़ हाउ गेट ऑल लिंक्स शुड बिहेव कि अगर हम गेट ऑल लिंक्स कॉल करें उसको ये यू आर एल दें इस पेज का यू आर एल दें तो वह हमें तमाम लिंक्स रिटर्न करें और हम उन लिंक्स को अगर प्रिंट करें तो वह तमाम लिंक्स यहाँ पर प्रिंट हो जाए प्रीवियस केस में भी यही हो रहा था कि वो डायरेक्टली प्रिंट कर रहा था लेकिन हम हम चाहते हैं कि वो उनको स्टोर करके हमें एक लिस्ट के तौर पे रिटर्न करे और फिर जब हम उनको प्रिंट करें तो वो एक लिस्ट के तौर पे तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएं क्रॉलिंग वॉकिंग एंड फ्लाइंग जो इस पेन के ऊपर मौजूद हैं वो तीनों लिंक्स हमारे सामने प्रिंट होने चाहिए गेट ऑल लिंक्स केस के जरिए अगर हमने गेट करेंगे तो राइट right? सो so, हम इस प्रोसीजर की मॉडिफिकेशन को जरा गौर से देखते हैं हमने प्रिंट की बजाय लफ्ज़ गेट इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना चाहते बल्कि हम उन वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं ठीक है हम लिंक्स के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं लिंक्स बुनियादी तौर पे एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हम तमाम लिंक्स जो हमें मिलेंगे उनको अपेंड करते जाएंगे स्टोर करते जाएंगे राइट So, हमें यह बताना है हमें गेस करना है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी शुरू में इसकी वैल्यू क्या होगी राइट right? और उसके बाद वो लूप वही है वाइल ट्रू यू आर एल एंड पोजिशन गेट करेंगे गेट नेक्स्ट टारगेट के जरिए और हम फिर चेक करेंगे कि इफ यू आर एल और बाकी मानदा प्रोसीजर अभी हमने वैसे लिखा हुआ है तो पहला काम हमें यह करना है कि हमें बताना है कि लिंक्स की इनिशियल वैल्यू क्या होगी तो शुरू में चूंकि हमारे पास कोई लिंक नहीं होगा तो हम इसको एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशलाइज कर सकते हैं एज यू सी हियर राइट हमने लिंक्स को एक एम्पटी लिस्ट से इनिशलाइज कर दिया दैट्स इट राइट अगला काम जो हमें करना है हम ये कर रहे थे कि हम जो यू थे अब हमें इसको प्रिंट नहीं करना बल्कि इस लिंक्स के नाम से जो हमने एक लिस्ट बनाई है उसके अंदर इस यू को स्टोर कर देना है तो यू कैन पॉज हियर एंड ट्राई टू गेस के व्हाट विल बी द स्टेटमेंट दैट यू विल यूज टू पुट दैट लिंक इनटू दिस पुट दैट पर्टिकुलर यूर इनटू दिस लिस्ट नेम्ड लिंक्स, राइट दैट वेरी सिंपल। आप सिंपली लिख सकते हैं लिंक्स. लिंक्स डॉट अपेंड आप के नाम से जो आपने एक लिस्ट बनाई है उसके अपेंड प्रोसीजर के जरिए आप उसके अंदर यह यू अपेंड कर देंगे तो जितने भी यू आर आपको मिलते जाएंगे आप उनको इस लिंक्स के नाम से डिफाइंड लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे राइट एंड बाय द टाइम दिस प्रोसीजर एंड जैसे ये लूप ब्रेक होगा जब आपको मजीद लिंक नहीं मिलेगा तो लिंक्स के नाम से जो लिस्ट है उसके अंदर उस पेज के ऊपर मौजूद तमाम के तमाम लिंक्स उसके अंदर अपेंड हो चुके होंगे राइट एंड देन यू विल हैव टू डू राइट समथिंग हियर कि जैसे ये प्रोसीजर एंड होगा तो आपको यहां से कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप यहां पर कुछ रिटर्न करेंगे सो यू विल बी सिंपली रिटर्निंग दीज दिस लिस्ट आप रिटर्न लिंक्स लिखेंगे और यहाँ से इस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे एंड दिस इज़ वॉट वी हैड डिफाइंड ऑन टॉप कि हमने ये कहा था कि आप जो इसके इसको प्रोसीजर को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको लिंक्स रिटर्न कर रहा होगा और उनको प्रिंट करेंगे तो वो लिस्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगी सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न लिंक्स लिखेंगे और वो तमाम लिंक्स यहाँ से रिटर्न uh, हो जाएंगे सो so, हमने जो यूनिट टू के एंड पे प्रोसीजर डिफाइन किया था उसमें बहुत माइनर चेंज की एक हमने यहां पे एक ले लिया, के नाम से उसको एक एमपटी लिस्ट के तौर पर लिया एक लिस्ट है जिसके अंदर हम तमाम लिंक्स डालते जाएंगे जो शुरू में एमपटी होगी दूसरा काम ने क्या किया कि यू को प्रिंट करने की बजाय इस लिंक्स में अपेंड करना शुरू कर दिया राइट right? और तीसरी मॉडिफिकेशन हमने क्या की कि सिंपली यहां से इस लिंक्स के नाम के से जो हमने लिस्ट डिफाइन की है उसको यहां पे

ऑल लिंक्स के जरिए जो आपका ये प्रोसीजर आपने भी डिफाइन किया गेट ऑल लिंक्स इसके ज़रिए आपको उसके ऊपर मौजूद तमाम लिंक्स एक लिस्ट के तौर पे मिल जाएंगे और फिर आपका क्रॉलर उन लिंक्स को वन बाय वन फॉलो करते हुए हर हर पेज के ऊपर जाके मजीद लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके अपने क्रॉलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाता जाएगा राइट right? सो इन ऑर्डर टू डू दिसब क्रॉलर नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेस यूज द वेरिएबल टू क्रॉल एज पेजेस लेफ्ट टू क्रॉल एंड यूज द वेरिएबल क्रॉल टू स्टोर द लिस्ट ऑफ पेजेज क्रॉल्ड तो बेसिकली आपको करना ये है कि हम एक सीड uh, पेज से स्टार्ट करेंगे उस सीड पेज हम हम दो लिस्ट मेंटेन कर लेंगे एक टू क्रॉल टू क्रॉल के अंदर उन पेजेस के लिंक्स uh, होंगे जो अभी हमें क्रॉल करने हैं और दूसरी लिस्ट हम मैंटेन करेंगे क्रॉल्ड क्रोल्ट के अंदर हम जो जो पेजेस जो जो लिंक क्रॉल कर चुके होंगे उनको क्रॉल्ड के अंदर डालते जाएंगे तो शुरू में टू क्रॉल जो है उसके अंदर सिर्फ सीड पेज का लिंक होगा हम सीड पेज पे जाएंगे उसके ऊपर से तमाम लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट में डाल कर ले आएंगे और उनको फिर हम टू क्रॉल में प्लेस कर लेंगे और जो सीड पेज का लिंक है उसको हम क्रोल्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो टू क्रॉल से फिर हम अगला लिंक उठाएंगे फिर हम दोबारा गेट ऑल लिंक्स के जरिए उसके तमाम लिंक्स को गेट करेंगे उनको टू क्रॉल में प्लेस कर देंगे और जो पेज अभी हमने क्रॉल किया है उसको फिर हम क्रॉल्ड के अंदर प्लेस कर देंगे राइट सो वी सी हाउ डू वी डू दिस सो दिस इज आर फर्स्ट अटेम्प्ट एट डूइंग दिस हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रॉलिंग प्रोसेस वी कॉल दिस सूरो कोड जो एक्चुअल कोड नहीं होता जिसको हम जरा सादा डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखते हैं तो चूंकि वो एक्चुअल कोड नहीं होता वो काइंड ऑफ मेक शिफ्ट कोड होता है तो हम उसको सूडो कोड कह देते हैं इट इज मोर इंग्लिश एंड स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ लाइक पाइथन कोड बट इट इज़ नॉट एक्चुअल पाइथन कोड सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ राइटिंग इट इन अ मोर कॉम्पैक्ट स्टाइल एज वी डिवेलप मोर कॉम्प्लेक्स एलगोरिज्म इट इज यूजफुल टू डिस्क्राइब दैम इन सूडो कोड बिफोर अटैम्प्टू राइट द पाइथन कोड टू इंप्लीमेंट दैन

जो कि खाली लिस्ट होगी अभी तक हमने कोई पेज क्रॉल नहीं किया कोई पेज भी अभी हमने फॉलो करके उसके तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया राइट right? सो so, हम करेंगे क्या वाइल देर आर मोर पेजेस टू क्रॉल जब तक हमारे पास टू क्रॉल यानी ऐसे पेजेस जो अभी हमें क्रॉल करने हैं वो अभी मौजूद हैं यह लिस्ट खाली नहीं है तब तक हम क्या करेंगे पिक अ पेज फ्रॉम टू क्रॉल तो टू क्रॉल से एक पेज उठाएं शुरू में हम सीट पेज उठा लेंगे एड दैट पेज टू क्रॉल्ड और उसको क्रॉल्ड लिस्ट में डाल दें कि ये हमने क्रॉल कर लिया और एड ऑल द लिंक टारगेट्स ऑन दैट पेज टू टू क्रॉल और उसके अंदर जितने भी हमें मजीद लिंक मिले उनको हम टू क्रॉल में डाल दें कि यानी ये वो लिंक है जो अभी हमें क्रॉल करने हैं राइट और उसके बाद जब ये प्रोसेस हमारा एंड हो तो हम क्रॉल्ड जो है वो रिटर्न कर देंगे यानी उन तमाम पेजेस की लिस्ट हम रिटर्न दें कर देंगे जो कि हम क्रॉल कर चुके होंगे मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि हम सीड पेज से स्टार्ट करेंगे राइट सीड पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स मौजूद होंगे वो निकालेंगे उनको टू क्रॉल में प्लेस कर देंगे और सीड पेज को क्रॉल्ड में प्लेस कर देंगे यानी सीड पेज क्रॉल हो गया और उसके ऊपर जो लिंक्स मिले वो अभी क्रॉल होने हैं फिर वो जो लिंक्स क्रॉल होने हैं उनमें से एक लिंक उठाएंगे उसके ऊपर जाके सारे लिंक्स दोबारा तलाश करेंगे उन लिंक्स को फिर ला के टू करोल में डाल देंगे और जिस लिंक के ऊपर हमें वो लिंक मिले हैं उसको हम क्रॉल्ड में डाल देंगे यानी एक एक लिंक उठाते जाएंगे उसको क्रॉल्ड में डालते जाएंगे और उसके ऊपर मिलने वाले तमाम लिंक्स को टू क्रॉल में डालते जाएंगे यहाँ हमें यह ख्याल भी रखना होगा कि अगर हमें कोई ऐसा लिंक दोबारा मिल जाता है जो हम पहले ही क्रॉल कर चुके हैं तो उसे हमें दोबारा क्रॉल नहीं करना बल्कि उसको हम ऑलरेडी क्रॉल्ड में चेक करके दोबारा ओपन नहीं करेंगे